अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसैर और आप देख रहे हैं कश्मीरी फूड। आज मैं आपको बहुत ही यूनिक सा केक बनाना सिखाऊंगी, जो कि है स्पेशली 12 रबीउल अव्वल की निस्बत से मैं बना रही हूँ। और ये 12 स्टेप्स का केक है, तो मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलें अपना मज़ेदार सा केक बनाना स्टार्ट करते हैं। 12 स्टेप्स केक बनाने के लिए मैंने 12 केक बेक किए हैं, जिनमें जो सबसे बड़ा केक है वो 10 इंच का है, बाकी 9, 8 और इस तरह 7 और कुछ मिनी जो केक मैंने बनाए हैं, इनकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ। मैंने पिछली वीडियो जो लगाई है वो इन्हीं की है, आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। और अब मैं इनको डेकोरेट करती हूँ। सबसे पहले मैंने 10 इंच के केक को दो इक्वल पीसेस में कट कर लिया है, दरमियान से कट किया है। और सबसे पहले अब मैं इसके एक एक पीस को मैं डेकोरेट करूँगी। तो कप विप क्रीम को मैंने बहुत अच्छे से बीट कर लिया है। सबसे पहले मैं अप्लाई करूँगी पाइनएप्पल सिरप। पाइनएप्पल का टिन मैंने लिया था, उसका सिरप निकाल लिया था। ये बहुत अच्छे से ये अप्लाई करने के बाद मैं इस पर क्रीम लगाऊंगी। फिलहाल मैंने 2 कप की है, जैसे जैसे मैं केक डेकोरेट करती जाऊंगी मैं क्रीम बीट करती जाऊंगी। एक साथ मैंने सारी क्रीम नहीं बीट की। फर्स्ट लेयर पे अप्लाई करने के बाद मैं इसके ऊपर सेकेंड लेयर रखूंगी। इसी तरह इस पर मैं अप्लाई करूंगी पाइनएप्पल जूस। हमने इसको फुल कोट करना है। क्रीम को बीट करते हुए मैंने इसमें 1 कप पाउडर शुगर और थोड़ा सा वनीला एसेंस डाला था। ना हमने साइड्स पे भी लगा लेना है। क्रीम लगाने के बाद मैं हर केक पे क्रीम लगाने के बाद मैं आधे घंटे के लिए इनको फ्रिज में रखूंगी, ताकि क्रीम अच्छे से सेट हो जाए। सारे केक पे मैंने क्रीम अप्लाई कर दी है और अब साइड पे स्क्रिबर से मैं डिज़ाइन बना लूँगी। इसको मैं रख दूंगी आधे घंटे के लिए फ्रिज में, और मैं साथ साथ बनाती जाऊंगी और फ्रिज में रखती जाऊंगी। और मैं डेकोरेट करूंगी 9 इंच के केक को।
और इसी तरीके से मैं सारे केक अपने डेकोरेट करके क्रीम लगा के फ्रिज में रखती जाऊंगी आधे घंटे के लिए। तब केक से मैंने क्रीम अप्लाई कर दी है, आप देख सकते हैं। और अब मैं इसमें चॉकलेट के चिप्स डालूंगी साइड पे। इसी तरह मैं हर केक पे लगा दूंगी। स्टेप्स केक बना लिया है मैंने। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे दुआओं में अपनी याद रखें। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए आप मेरे साथ कनेक्टेड रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।